हेलो एवरीवन, आज मैं करूँगी पैनासोनिक एसी 2023 के लेटेस्ट मॉडल के रिमोट का रिव्यू कि हम इसको कैसे समझते हैं, कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये इसका रिमोट है, इसके येलो बटन से ऑन ऑफ जिस पे दिया हुआ है उसे ऑन कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एसी ऑन हो जाएगा। अब इसका दिया हुआ है स्मार्ट मोड, स्मार्ट मोड से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे अब नेक्स्ट इसका है पावरफुल मोड। यदि आपको कमरा जल्दी ठंडा करना है तो पावरफुल मोड से जल्दी कमरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें मोड का ऑप्शन है। अब ये है मोड, तो मोड से आप ये जो ब्लैक स्पॉट दिया हुआ है ये ऑटो कूल ड्राई के पास, तो सबसे पहले ऑटो मोड, कूल मोड, ड्राई मोड, फैन मोड, तो ये इसी के मोड हैं जिनको आप जो चाहो वो कर सकते हो। इससे नेक्स्ट है ये टेम्परेचर का, इससे ऊपर वाले से आप टेम्परेचर ज़्यादा कर सकते हो, मैक्सिमम टेम्परेचर 30 होता है और इससे आप कम कर सकते हो, जैसे यहाँ से 29, 28, 28, तो ऐसे करके 16 तक आप जा सकते हो, 16 इसका मिनिमम होता है। देखो इससे बाद नहीं जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बटन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ईयर स्विंग का, यहाँ पे जो ये ईयर स्विंग का ऑप्शन दिया हुआ है इसको दबाने से ये जो एसी की पट्टी दी हुई है ये ऊपर नीचे होगी। ठीक है, इसको दूसरी बार दबा के दिखाती हूँ मैं आपको, ये इसमें नीचे जा रही है, आप जितनी नीचे तक ले जा सकते हैं आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ के बाद ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये एसी की पट्टी नीचे जा रही है, ये ऑटो मोड है। अभी ये एकदम से ऊपर चला गया है, अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ये इसका ऑटो स्विंग वाला हो गया। अब स्विंग का लेफ्ट और राइट का देख लेते हैं, तो लेफ्ट राइट में आपको ये एंगल के हिसाब से लेफ्ट राइट में होगा। ये अभी इसका ऑटो लेफ्ट राइट मोड ऑन हो गया है। अभी ये जो स्विंग्स दिख रही हैं, ये जो इसकी पट्टियां दिख रही हैं, ये लेफ्ट और राइट में मोड रही हैं। इस तरह से ये जल्दी से रूम को ठंडा कर देता है, ये इसका फंक्शन बहुत अच्छा है। अब इसके नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं जो है फैन स्पीड। फैन स्पीड में ये देखिए, यहाँ से ये ज़्यादा कम का ऑप्शन आ रहा है। इसमें मैं आपको वॉल्यूम सुना देती हूँ कि कितनी तेज़ी में बढ़ता है कम होता है, आपको मैं पास जाके थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो ये इसकी फैन की आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट फंक्शन को समझते हैं जो कि है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल में आप इसकी ये एसी का मतलब है हाईएस्ट कैपेसिटी। अब ये है फुल कैपेसिटी, जो एसी पे भी आपको दिखेगा कि ये फुल कैपेसिटी पे है और रिमोट में भी आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसको दूसरी बार दबाएंगे तो ये 90% एफिशिएंसी हो गया, एसी पे भी आपको 90% लिखा हुआ दिखेगा।
इसके बाद एसी 80%, तो ये इसी को ही दबाते हुए आप कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो पहले कम पे जाएगा तो ये हो गया 40% इसका कैपेसिटी, उसके बाद हाईएस्ट हो जाएगा मतलब मिनिमम इसका है 40% एफिशिएंसी। तो ये आपको एसी पे भी देखो 40% दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन इसका हम समझते हैं टाइमर का, ठीक है। तो टाइमर हम इसमें ऑन कर सकते हैं, जैसे टाइमर का बटन ऑन करेंगे यहाँ पे ये आपको 2 घंटे और 10 मिनट का टाइमर दिखा रहा है। अब इसको हम और ऑन करेंगे, इस पर दबाएंगे तो देखो ये टाइमिंग बढ़ती जाएगी। तो इसको हम बढ़ा सकते हैं कितने भी घंटे, जितने भी घंटे आपको टाइमर लगाना हो तब तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं कि अभी टाइमर हमको ऑफ करना है, मतलब टाइमर का फंक्शन ही कैंसिल हो, मतलब अब टाइमर नहीं लग रहा, इसका बेसिकली ये मतलब है, ठीक है। यहाँ से कैंसिल होकर पहले जैसे नॉर्मल एसी चल रहा था वैसे चलेगा। क्लीन वाला फंक्शन जो है वो एसी ऑफ करने के बाद ही ऑन होगा, क्योंकि क्लीन करने का फंक्शन ऑफ होगा तभी ऑब्वियसली स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ से ऑन करेंगे इसको तो यहाँ से ऑटोमेटिक ही क्लीन होगा, उसके बाद अपने आप ही बंद हो जाएगा। और जनरली जब हम एसी को बंद करते हैं तो कुछ टाइम बाद एसी अपने आप में पूरी तरह बंद होता है, क्योंकि इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन दिया हुआ होता है। तो ये स्विंग्स जो होती हैं ये खुली रहती हैं, कुछ देर बाद अपने आप बंद होती हैं जब ऑटो क्लीन हो जाता है मोड। तो डायरेक्ट यदि स्विच से बंद करते हैं तो ऑटो क्लीन वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा होता है, तो वो सही नहीं है। तो पहले रिमोट से ऑन ऑफ कर लो, उसके बाद इसका स्विच से ऑफ करना चाहिए। अभी आपको मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने बता दिया है, आपको किसी बटन में यूज करने में आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।